ऋषिकेश के रामा पैलेस में आज गढ़वाली फीचर फिल्म बॉडी गे गंगा रिलीज हुई, जिसका पहला शो काफी लोगों ने देखा और पसंद किया। आपको बता दें कि ये फिल्म पलायन पर आधारित है। बॉडी गे गंगा फिल्म उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन की जो गंगा बह रही है उस दर्द को उजागर करती है। ये फिल्म कॉलेजों के युवाओं पर आधारित है। फिल्म की कहानी बताती है कि फिल्म में कुछ इस तरह की परिस्थितियां आ जाती है जिससे लोग रिवर्स माइग्रेशन करते हैं। शहरों से उत्तराखंड के लोग पहाड़ों की तरफ वापस आने लगते हैं। फिल्म में नायक पहाड़ों पर रोजगार के साधनों को पैदा करता है जिससे कि पहाड़ों में खुशहाली आ जाती है। बॉडी गे गंगा फिल्म की खासियत ये रही कि इस फिल्म में सभी कलाकारों को बराबर रोल दिया गया और सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदारों को बखूबी निभाया। अनिरुद्ध गुप्ता द्वारा निर्मित बॉडी गे गंगा गढ़वाली फीचर फिल्म रिलीज हो चुकी है, जो कि ऋषिकेश के रामा पैलेस में लगी हुई है। कल ही इस फिल्म की शुरुआत हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ये फिल्म जो है ये उत्तराखंड के पलायन के दर्द पर निर्धारित है और इस फिल्म की जो पूरी कहानी है वो पलायन पर है। पलायन का कहीं ना कहीं जो दंश हमारा उत्तराखंड झेल रहा है उसी के ऊपर इसकी कहानी पूरी घूम रही है। इस फिल्म का एक ऐसा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ट्विस्ट आए हैं, जिस कैरेक्टर की वजह से इस फिल्म में काफ़ी चीज़ें बदली हैं और हुई हैं। तो ऐसे ही एक कैरेक्टर से, उन्हीं से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। नमस्कार विकेश जी, कैसे हैं आप? पहले तो थैंक यू मैम कि आप आए हैं। दूसरी बात मैम, ये फिल्म जो है ये फिल्म मुझे एक ऑडिशन के माध्यम से इसका मेरे को मिला है और मैंने कि मतलब गढ़वाली में पहले तो ऑडिशन होता नहीं है, पर जब ऑडिशन हुआ इस फिल्म का और जो मेरा जो मेन कैरेक्टर था कि मोगली, तो पहले इतना मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। तो जब मैंने टीम के साथ वर्क किया है और वर्कआउट जब पूरा किया मैंने फिल्म के अंदर, तब मुझे पता चला कि एक पहली ऐसी फिल्म बन रही है बॉडी की गंगा जिसमें सबको एक दर्जे का वो दिया जाए, ना किसी का रोल छोटा है ना बड़ा है। दरअसल क्या हुआ, हिंदी हो या गढ़वाली हो, क्या होता है कि हीरो या हीरोइन या विलन, ज़्यादा विलन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारे कैरेक्टर जो हमारे गुप्ता जी और जो इसके फिल्म के जो राइटर जो हैं बडोनी जी, इन्होंने इतना बखूबी इसको निभाया है, लिखा है। और इसमें मुझे खुशी ये होती है कि ऐसी फिल्में अगर बन रही है और ऐसे जैसे छोटे रोल को लंबे तौर तक अगर देखा जाए तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को लोग जान रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और थैंक यू मैम। तो यहाँ पर ये बात मेन सामने आ रही है कि इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है उसे इस तरह से किया गया है कि खाली एक अभिनेता और अभिनेत्री ही नहीं हाईलाइट हो रहे हैं बल्कि काम करने वाले जितने भी कलाकार हैं सभी का रोल जो है काफ़ी अच्छे से निखर के आ रहा है। और विकेश बाबू उसमें काम कर रहे हैं, मोगली का इनका कैरेक्टर है जो कि काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं। और बात हमने जब की लोगों से तो लोगों ने कहा कि जो मोगली का कैरेक्टर है कहीं ना कहीं उसकी वजह से फिल्मों में काफ़ी फिल्म में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। तो एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, गढ़वाली फिल्मों का आगे अब आप क्या भविष्य देखते हैं, क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड में गढ़वाली फिल्में वैसे तो बनती आई हैं, अभी भी बन रही हैं पर काफ़ी अंतराल के बाद बनती हैं, काफ़ी समय समय के बाद बनती हैं, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड में आपके हिसाब से गढ़वाली फिल्मों का क्या भविष्य है? जैसी अगर ये फिल्म जैसी अभी बनी है बॉडी की गंगा, अगर ऐसी फिल्में अगर बनती जाए उत्तराखंड में या उत्तराखंड संस्कृति में, ऐसे लोग अगर आगे अगर बढ़ते रहे तो ऐसा कुछ दिन दूर नहीं है कि हम बॉलीवुड की टक्कर की फिल्में बनाएंगे। पर दुर्भाग्य है कि जैसे अभी गढ़वाली को लोग पसंद नहीं करते, खुद हम लोग कि चलो गढ़वाली फिल्म है, चलो क्या है उसमें। पर जैसी ये फिल्म बनी है मुझे भी खुद यकीन नहीं था कि जो मेरा रोल था मैं भी बहुत सोच समझ के इसमें गया, पर जब ये रोल निखर के आए, जब लोगों ने मुझे पसंद किया, बड़े लोग जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्होंने पसंद किया, तो आज मुझे भी खुशी हो रही कि अगर ऐसी फिल्में बनी तो जो लोग इतनी मेहनत करें उनको इसमें बेनिफिट हो और हमारी संस्कृति भी आगे बढ़े। पलायन जो हम लोग खुद, मैं भी अपना घर बार छोड़ के जो शहर में आ रखा हूँ कमाने के, तो हमें अगर उधर ही रोज़गार मिले जो इस फिल्म में दिखाया गया है तो मैं भी, कोई भी बंदा अपने घर छोड़ के नहीं जाएगा, तो ये सबसे अच्छी बात इसमें है। संवाद के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप उत्तराखंड के दर्शकों को कोई एक संदेश दें कि वो बॉडी की गंगा देखने आए। बस यही है कि इस फिल्म की बहुत अच्छी है, जो राइटिंग बोले जाए या कहानी बोली जाए बहुत अच्छी है, किरदार सभी के अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि किसी का बड़ा है छोटा है या बोरे तो वाला कोई ऐसा नहीं, गाने इस फिल्म के अच्छे हैं। और मैंने है कि आपको इसमें थोड़ा सा सीख मिलेगी कि कैसे हम अपने पलायन को रोक सकें। सभी दर्शकों को इस फिल्म के नायक और नायिका की केमिस्ट्री खास पसंद आई है और नायक और नायिका इस फिल्म में बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं।
बॉडी गे गंगा के प्रीमियर शो में ऋषिकेश की कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। इस फिल्म की खास बात यह रही कि इसमें ऋषिकेश के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी गढ़वाली बोलते नजर आए हैं। जिस प्रकार से हमारे पहाड़ की एक प्रमुख समस्या, जैसा हम लोग पहले से कहते रहे हैं, यहाँ का पानी, यहाँ की जवानी कभी काम नहीं आई, यानी पलायन को लेकर जो चिंता हमारी हमेशा रही है, चाहे राजनीतिक लोग हों चाहे आम लोग हों, सबकी एक समस्या है। उस समस्या के लिए इस फिल्म को मुख्य रूप से दर्शाया गया है और मैसेज दिया गया है कैसे हम पलायन को रोक सकें। तो इसमें जो नायक हैं, नायिकाएं हैं, और यहाँ के जो हमारे भाई, हमारे गुप्ता जी हैं जिन्होंने प्रोड्यूस की है फिल्म, मैं इन सबको बधाई देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और बहुत सुंदर फिल्म बनी है, एक अच्छी प्रयास इन्होंने किया है। मैं इनको भगवान से कामना करता हूँ ये और आगे बढ़े, अच्छी अच्छी फिल्म बनाएं और दिखाएं। बॉडी की गंगा के रिलीज के मौके पर प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत उत्तराखंडी हास्य कलाकार घनानंद और कई लोग भी पहुंचे। बॉडी की गंगा मतलब लौट के आ गई गंगा, इसका मतलब लौट के जितने प्रवासी बाहर चले गए हैं अपने गांव छोड़ के, वो फिर दोबारा आओ, क्योंकि गांव में, उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सुविधाएँ हैं, बहुत विकास हो रहा है। तो वो ये फिल्म को दर्शाया गया कि पलायन के ऊपर पिक्चर है। ये फिल्म जो हैं गुप्ता जी, अनिरुद्ध गुप्ता, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि देखिए जो आदमी उत्तराखंड की मिट्टी में पला हो और वो इस भाषा को देखता है, उत्तराखंड का है, उसको पीड़ा हो गई है अपने उत्तराखंड की, कि मेरे उत्तराखंड के जो पलायन हो गया है गाँव में, वो काम के लिए जा रहे हैं तो यहाँ भी रोजगार है। ये फिल्म इतनी बढ़िया है, सशक्त अभिनय किया है सबने, और इसके संवाद, इसकी कहानी, इसका डायरेक्शन, डायरेक्टर को मानना पड़ेगा। अभी तक इतनी फिल्में आई हैं, हमने भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन ये बंधी हुई फिल्म है और कहीं पे भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। बिल्कुल कट टू कट फिल्म है, एडिटिंग भी बहुत बढ़िया है, और इसमें डायरेक्शन, डायरेक्टर ने नए कलाकारों पर बहुत मेहनत की है, नए कलाकारों से इतना बढ़िया काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गढ़वाली बोली है वो बनावटी नहीं लग रही है, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा है। और ये फिल्म, मैं तो कहता हूँ कि कभी हर आदमी एक लौट के आए और अपने उत्तराखंड के इन कलाकारों के और अपने उत्तराखंड की फिल्म के लिए अपने जो भी हैं 150 रुपए आप जरूर इसमें खर्च करें। इस फिल्म में निर्माता निर्देशक के तौर पर अनिरुद्ध गुप्ता ने काम किया है। हमारा जो मेन बेस था, हमारा पलायन था, जो पलायन का जो कहते पीड़ा है उत्तराखंड की, जो मतलब अभी भी बहुत मुश्किल में है पलायन, कि सारे गांव खाली होते हुए चले जा रहे हैं। तो मैं बॉम्बे रहता था, मेरे साथ बहुत सारे उत्तराखंड के लोग रहते थे, वो अपने घर छोड़ करके वहाँ जॉब करते थे, 2-3 साल के बाद घर आते थे, तो मुझे वो पिंच करती थी बात। तो मेरे माइंड में था कि मैं अगर पलायन के लिए बनाऊंगा, लेकिन अब ये कि पलायन के लिए अगर मैं सिर्फ बनाता तो एक डॉक्यूमेंट्री जाती, थोड़ा सा उसको मनोरंजक बनाने के चक्कर में हमने थोड़ा सा लव स्टोरी भी जोड़ दिया। सबसे मेन कारण है कि जो हमारे जो दर्शक है उत्तराखंड के, वो हैं मेन पहाड़ों में, अब वहाँ पर पिक्चर हॉल नहीं है। जब तक वहाँ पिक्चर हॉल नहीं बनेंगे तब तक सिनेमा उभर नहीं सकता है, क्योंकि प्लेन्स में सिर्फ 10-12 शहरों में पिक्चर हॉल होने से कुछ नहीं होता। जब तक लागत नहीं निकलेगी तो हम दूसरा कैसे बनाएंगे, तीसरा कैसे बनाएंगे। देखिए फिल्म नीति बोर्ड अपना काम कर रहा है अच्छा, लेकिन उसमें भी और सुधार की गुंजाइश है, और उनको जल्द से जल्द कदम लेने चाहिए कि हम निर्माताओं के लिए थोड़ी सी हेल्प करें, थोड़ी सी सहूलियत हम लोगों को प्रदान करें, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे शूट कर सकें, अच्छी फिल्म बनाएंगे। हमें थोड़ा सा बस सहयोग की जरूरत है और हम बहुत अच्छे से अच्छी फिल्म बना सकते हैं। अभिनेता के तौर पर रणवीर और प्रशांत ने अभिनय किया है, साथ ही अभिनेत्री के तौर पर शिवानी भंडारी नजर आई। मेरे हिसाब से कोई देखेगा तो बहुत चीजें सीखने को है इस फिल्म में। इवन खुद मैं भी सोच रहा हूँ कि वाकई में गाँव जाऊँ और वाकई कुछ हमारे गाँव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। फिल्म नीति के बारे में मैंने सुना है, पर सही मायने में देखा जाओ, नीतियाँ जब मैंने अखबार में पढ़ी थी तो नीतियों में बहुत कुछ लिखा हुआ था। वाकई लगता था कि यार अगर ये चीज़ें आ जाएंगी हमारे उत्तराखंड में तो हम बॉम्बे जाने वाले लेवल नहीं आएगा, उत्तराखंड का स्तर आज इतना है फिर इतना बनेगा। पर फिल्म केवल नीतियां सुनी हुई हैं अभी तक तो सरकार द्वारा, केवल फुस मेरे हिसाब से, तो मैं 0 नंबर दूंगा उन सबको। जो भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहा होगा तो वो थोड़ा सा मतलब सचेत होगा इस चीज़ से कि वाकई कुछ ना कुछ करो फिल्म नीति के बारे में। सुनी रहे फिल्म नीति पर कहीं फिल्म नीति मेरे को नज़र नहीं आ रही। और देखो यार, रहना
खाना, आर्टिस्ट का आना जाना, उत्तराखंड ने एक ये फिल्म नीति ने एक वादा किया था हम लोग से तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, पर अभी भी दो चार फिल्में आ गई फिर भी टैक्स फ्री कुछ नहीं हुआ। जो प्रोड्यूसर है वो देखो पहले तो गढ़वाली फिल्म को कोई सपोर्ट करता है नहीं, थोड़ा बहुत कोई कर भी रहा है फिर भी वो इतना टैक्सेस भरेगा तो फिर वो हिम्मत नहीं होगी उसकी। तो मेरा ये गुजारिश है संवाद द्वारा, एक गुजारिश है कि जो भी मेरी बात को सुन रहा है प्लीज़ थोड़ा फिल्म नीति में काम कीजिए, आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे कलाकार और रज रज के आएंगे, बॉम्बे जाने वाला लेवल नहीं आएगा। आप लोग एक बार जरूर देखिए, जो भी देखेगा उसको पसंद ही आएगा, सब लोग अच्छे ही फीडबैक दे रहे हैं और पलायन के ऊपर है तो बेसिकली सबको ही पसंद आ रही है। इस फिल्म में जो मतलब हमारा मोटो ही यही है कि यहाँ पर रोजगार पैदा हो रहा है तो लोग जाएंगे क्यों बाहर, जब यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ आ रहा है तो जब तो हर कोई चाहेगा कि अपनी फैमिली के साथ रहें। तो यही हमारा मेन मोटो था, इसको हमने थोड़ा सा ट्रायंगल लव स्टोरी के साथ मिक्स किया, थोड़ा एंटरटेनिंग भी, मतलब ये भी बहुत ज़रूरी क्योंकि एंटरटेनमेंट फिल्म्स का एक ज़रूरी पहलू है तो उसको भी हमने साथ में रखा और पूरी कोशिश की कि बेहतरीन चीज़ डिलीवर करें। एक हमारे जो उत्तराखंड में इस तरीके का मतलब आइटम सॉन्ग जो बोलते हैं जो हिंदी मूवी में आज तक होता है वो इसमें गुप्ता जी ने एक वो एक अलग सा आइटम सॉन्ग रखा है वो मैंने गाया है। हालांकि जो शब्द हैं जो सारे मतलब एक बाद्दी सॉन्ग जो होता था पहले पुराने टाइम में उसी टाइप से फिल्माया गया है वो मैंने गाया है। पलायन के ऊपर जो उत्तराखंड हमारे जो गाँव हैं सारे एक एक करके सारे खाली होते चले जा रहे हैं तो एक मैसेज है जो शायद हमारे आज के जो युवाओं तक पहुंचेगा और वो शायद कुछ सोचेंगे और हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा जो पूरा ये गांव उत्तराखंड एक के बाद एक खाली होता चला जा रहा है तो एक मैसेज है जो हमारे आज की जनरेशन को पहुंचेगा और इससे ज़रूर आगे कुछ ना कुछ होगा। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है कि जिससे हमारे जो गाँव वाले क्षेत्र हैं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे पलायन तो होते हैं, किस चीज़ के लिए होते हैं, क्योंकि गांव में इतना रोजगार का अवसर नहीं होता, अगर हम चाहें तो गांव में बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है बॉडी की गंगा और इसमें मेरे हस्बैंड है अनिरुद्ध गुप्ता जी जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा रोल निभाया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। वो एक गढ़वाली होते हुए भी उन्होंने एक गढ़वाली पिक्चर आगे बढ़ाई है, गढ़वाल का पलायन का वो रोका है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।